और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन हटा है। एनसी और कांग्रेस की यहां सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 विधानसभा सीटें जीती हैं। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा, नई सरकार क्योंकि अब आ रही है। बड़ी जानकारी, तो 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा है और अब सरकार गठन की तैयारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले यानी 2014 में हुए थे और चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई, लेकिन 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जो अब हटा लिया गया है। तो उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में सरकार बनेगी, नई सरकार आ रही है जम्मू कश्मीर में और पिछले 6 साल से राष्ट्रपति शासन लगा था जो अब हट गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए। नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, 6 साल का वक्त और अब राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है, फिर से घाटी में चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं अब होंगे। और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था, हिंदू जनता ने अपना जनाधेश दिया, हिंदू बहुमत मिली और अब जो है सरकार करने की तैयारी हो गई है। अब सरकार सब कुछ देने की तैयारी से तैयारी है। पूरा जो रास्ता था वो साफ हो गया है, क्योंकि इसके अवसर जो है वहाँ पे जो है जो राष्ट्रपति शासन की बात थी वो उसको लेकर साफ कर दिया गया था और अब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर लेकर सूचना जारी की गई थी राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति सचिवालय से, उसके बाद चुनाव हो गया। बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बस वह तारीख का ऐलान होना है, जल्दी ऐलान हो जाएगा तारीख का, कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन कौन जा रहे हैं, कौन सी जा रहे हैं। उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है, काफी कांग्रेस के लिए उन्होंने
चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में सरकार अब घाटे में बनने जा रही है।